इसके बाद जैसे जैसे उनका कार्यक्रम और दौरा आगे बढ़ेगा तो शाम के 5:20 की वो तस्वीर भी अद्भुत होगी जब पहला दीपक प्रधानमंत्री प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद वहां पर देव दीपावली के इस कार्यक्रम और आयोजन के तहत घर घर में दीप जलेंगे। 15 लाख दीप जलाने का ये कार्यक्रम है। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद है चैत सिंह घाट से। श्वेता देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल्स के बीच अभिवादन का ये कार्यक्रम, संसदीय क्षेत्र पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री, उन्हें रिसीव किया गया है और अब उनके इस दौरे की शुरुआत हो गई है। जी हाँ, सबसे पहले वो जो हम हाईवे की बात कर रहे हैं जिसके चौड़ीकरण की बात हो रही है वहां पर उन्हें सबसे पहले उस ओर निकले हैं प्रधानमंत्री, जिसके बाद आगे आकर वो यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लेंगे। तो उनके दौरे की शुरुआत तो हो चुकी है मीनाक्षी, और यहाँ पर उस दौरे में जो तमाम चीजें हैं वो चीजें अगर हम समझे, देखिए हेलीपैड ललिता घाट के नजदीक 4:30 तक वो वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट साइट का रुख करेंगे वो, यानी पहले जो विकास कार्य है और उसके बाद जो आध्यात्म का कार्य है, ये सारी चीजें यहां पर एक के बाद एक होंगी और लगातार क्रमवार जिस तरीके से उनका पूरी लिस्टिंग है, यानी कि समय में एक मिनट का भी समय ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए बैठेंगे, वो पूरे में यही देखेंगे कि उनका जो ये क्षेत्र है, जो संसदीय क्षेत्र है काशी, या फिर एक भक्त के तौर पर अगर वो आकर यहाँ पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, दीपदान करना कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ आज उनकी आंखों के सामने जब वाराणसी शहर का एक एक हिस्सा रहेगा तो थोड़ी सी उन्हें संतुष्टि भी रह सकती है कि एक सांसद के तौर पर जो काम मैंने किया था और जो मैंने वादा किया था वो सारी चीज़ें पूर्ण हो रही हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, जिस चीज़ का जिक्र करके यहाँ पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा था, पहली बार जब कहा था माँ गंगा ने बुलाया है, तो वो माँ गंगा की लहरों पर सवार होकर और घाटों का जायजा लेते हुए यहाँ पर दीप दीपावली के इस आयोजन का हिस्सा बनते हुए जब वो आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज उनके आंखों के सामने कुछ उसी तरीके से खुलती रहेगी। मीनाक्षी, यहाँ पर जो तैयारियां हैं पूरी हैं हर हिस्से में, अब जो थोड़ी सी दूरी का हिस्सा है वहां पर दीपों को की तैयारियों की शुरुआत हो गई है। यहां पर अब स्पीकर्स को भी टेस्ट करने की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जब लेजर शो यहां पर होगा तो जो कहानी है वो उन स्पीकर्स के जरिए ही दिखाई जाएगी। जो लाइटें हैं उन्हें लगा लिया गया है, जो आम टूरिस्ट हैं यहां पर वो अभी कुछ देर तक प्रधानमंत्री, और देखना ये होगा कि क्या यहां पर भी कोई संबोधन हो सकता है। लेकिन देखिए, एक एक करके उन्हें जिस तरह से आगे ले जाया जा रहा है, जो ऑफिसर्स उनके साथ मौजूद है, जिस तरह से उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है पूरे प्रोग्राम को लेकर, ये लाइव तस्वीरें हम काशी से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देव दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस हाईवे को का लोकार्पण हो रहा है, मंच से सीधी तस्वीरें। श्वेता, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जरा उन्हें समझा दीजिए इस हाईवे की वजह से क्या बेनिफिट लोगों को मिलने वाला है। मीनाक्षी, आप ये सवाल मुझसे पूछ रही हैं? जी मीनाक्षी, देखिए ये जो हाईवे है और इसका जो चौड़ीकरण है, मेरे साथ संवाददाता अभिषेक मिश्रा भी हमारे हैं और मैं उनसे भी पूछूंगी, अभी अभी उस कल रात उसी सड़क का प्रयोग करके आप आए हैं यहाँ पर, उद्घाटन हालांकि औपचारिक कब हो रहा है, सीधा फायदा क्या वाराणसी की? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बनारस आप तो जानते हैं गलियों का शहर था, और हाईवे पे भी हालत इस कदर हुआ करती थी कि ट्रैफिक इतना ज्यादा होता था कि जो रास्ता लखनऊ से बनारस आने में 6 घंटे का होता था वो 8-9 घंटे समय आपने लिया। अब आप समझ लीजिए, मैं खुद आया हूँ तो मुझे 6 घंटे के अंदर मैं उस जगह पे था जहाँ पर अभी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। तो आप कह सकते जो एक्सटेंशन का काम जो चौड़ीकरण हुआ है उससे खास फायदा मिला है, और ये बहुत पुरानी लंबे समय से यहाँ के रहवासियों की मांग थी, और सबसे बड़ी बात है बहुत कम समय में बना है और 73 किलोमीटर का है और 2247 लगभग इसका इन्वेस्टमेंट है, यानी कि कम समय में अच्छी लागत से कैसे काम करें वो कहीं ना कहीं देखें।